नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस व्लॉग की एक और खास वीडियो में। दोस्तों, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियों में आपको जरूरत पड़ रही है नए बिजनेस स्टार्टअप को लेकर। बड़ी समस्या आती है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि माल कहाँ से ले, क्योंकि यूट्यूब वालों ने दिमाग खराब करके रख दिया है कि सब कहते हैं कि ये असली मैन्युफैक्चरर है, कोई कहता है वो असली मैन्युफैक्चरर है। तो कन्फ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन असली है, कौन नकली है, माल कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से आपको बेनिफिट होगा, किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति होगी और किस मैन्युफैक्चरर से आपको फायदा होगा। क्या जिस मैन्युफैक्चरर के बारे की वीडियो आप देख रहे हैं, क्या वो रियल है या नहीं है? तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं और फर्स्ट टाइम मैं सूरत की होलसेल मंडी के, सूरत टेक्सटाइल मार्केट के एक ऐसे मैन्युफैक्चरर और एक ऐसे फैक्ट्री आउटलेट के ओनर से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनकी मुलाकात अब से पहले हमारे चैनल पर तो नहीं हुई और उम्मीद करता हूँ शायद अब से पहले किसी और चैनल पर भी उनका इंटरव्यू नहीं आया होगा। तो फर्स्ट टाइम ये वीडियो है तो उम्मीद करूंगा आपसे भी वीडियो पूरी देखोगे और वीडियो जब पूरी देखोगे तो शेयर जरूर करना, कमेंट्स करके बताना, जो कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में जब कभी हमारा मौका लगेगा, सर को समय मिलेगा और हमारे साथ फिर से इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आपके क्वेश्चंस का आमने सामने लाइव करके भी हम जवाब लेंगे। बात करते हैं बिजनेस स्टार्टअप की और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर सर का। जो सर है आज हमारे साथ जलान मेगा मार्ट जो पड़ता है रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट के फोर्थ फ्लोर पर, एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में है। जलान मेगा मार्ट के ओनर का स्वागत करते हैं फर्स्ट टाइम तेजस। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छे, आप कैसे? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारे व्यूवर्स से रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे व्यूवर्स को सबसे पहला क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि सर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं मगर यूट्यूब की वीडियो देख करके हम परेशान हो चुके हैं, ना हमें ये पता चलता है कि कौन असली है कौन नकली है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, YouTube को तो पहले धन्यवाद भी देना चाहूंगा जी। YouTube को आप नेगेटिव नजरिए से ना देख के पॉजिटिव नजरिए देखें जी, बिल्कुल। असली नकली की तो तहकीकात चलती रहने वाली है और पहचान तो एक बार आप विजिट करेंगे किसी भी यूनिट पे जी, जी, या उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, चार लोगों से पूछेंगे जी, तो आपको उसकी आइडिया तुरंत पड़ जाएगी जी। तो असली नकली जानने के लिए अगर आप सूरत आते हैं तो हमारे यूनिट पे विजिट कीजिए जी। जलान नाम आज कोई पुराना नहीं है, भारत में 1975 से जलान नाम से हम लोग व्यापार कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, बनारस में, रांची में, कलकत्ता में जगह जगह हमारी ब्रांचेज है। अच्छा, तो काफी पुराना व्यापार है, काफी पीढ़ियों से ये व्यापार चल रहा है। अच्छा, तो हम ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं जलान मेगा मार्ट, हम जो रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में बैठे हैं, तो इस वीडियो का बेनिफिट जो अदर्स आपकी ब्रांचेज है वहां से भी लोग परचेज कर सकते हैं जी? बिल्कुल कर सकते हैं, सब जगह अलग अलग वैरायटी, अलग अलग रेंज रहती है। यहाँ क्योंकि हम सूरत में स्थित है ये जलान मेगा मार्ट जी, जी, तो यहाँ प्रॉपर आपको सूरत एक मैन्युफैक्चरिंग मंडी है, ये जी, सब जानते हैं। आज भारत में मैं समझता हूँ कि 80% कपड़ा सूरत में मैन्युफैक्चर होकर और जगह जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट, अगर जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से जो व्यापारी जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं जी, वो अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़ना चाहते हैं तो ये सूरत का जलान मेगा मार्ट उनके लिए बहुत अच्छा एक साधन है जी, बहुत अच्छी शुरुआत करने का एक मौका है। तो यहाँ पर आप किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, किस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और किस में ट्रेडिंग कर रहे हैं? जी, हमारा पूरा प्रॉपर साड़ीज का जो मेन हब है सूरत जी, और एक गारमेंट का मेन हब अब धीरे धीरे आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि सूरत हो जाएगा जी। जी, तो ये दो चीजें, साड़ी, ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, ये हम प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले वीडियोज इसके हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आप ही लोगों के जरिए से दिखाई भी गए हैं जी। जी, तो ये तो हम लोग पूरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कुछ ब्रांडेड कपड़े भी हम लोग रखते हैं, जैसे रूपा का हमारे पास फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, जैसे कुछ और जीन्स की वैरायटीज है वो ब्रांडेड, हम लोग ब्रांडेड जो कंपनीज है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड ऑफ सूरत होती है जी, लेकिन जी, उनसे हमारा फैक्ट्री के लेवल पे टाई अप है। अच्छा अच्छा, तो आप एज अ हमको उनके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर मान सकते हैं जी, तो व्यवस्थित रेटों में सही प्रकार की वैरायटी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से उपलब्ध उनकी हम लोग कराते हैं जी। जी, तो ये मान सकते हैं कि जैसे आपने अभी बड़े ब्रांडेड कंपनी का नाम लिया, अगर अदर्स जैसे दिल्ली, गांधीनगर में भी कहीं कहीं पे फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो रेट में डिफरेंस आएगा क्या कुछ? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने जिससे भी फ्रेंचाइजी नहीं ली है, हमने जिससे किया है उससे एक टाइप किया है। अच्छा, फ्रेंचाइजी और टाइप में फर्क है, फ्रेंचाइजी में तो हम उनका प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा, टाइप में हो गया कि हम उनसे प्रोडक्ट डेवलप करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, एक तरह से आप पार्टनरशिप कह सकते हैं जी। जी, जी, तो हम लोग उनके मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही हम लोग उस प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं।
अच्छा, तो साड़ी की तो फुल मैन्युफैक्चरिंग है साड़ी की आपकी। फुल मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी रहती है, अच्छा ड्रेस मटेरियल की, गारमेंटिंग की फुल मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी। जी, जैसे अब गर्मियों का सीजन है और साड़ी का कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो साड़ी की फुल वैरायटी आपके पास मिल जी जाएगी। बिल्कुल, फुल वैरायटी मिलेगी। ये तो नया सीजन, एक समझिए अभी लगन चल रहे हैं तो जी लगन में जी बिक्री भी अच्छी होती है। जी जी अभी जुलाई तक लगन है, इस समय कोई अगर अप्रैल में नया व्यापार शुरुआत करना चाहता है तो उसको मई जून जुलाई 3 महीने सीधे सीधे व्यापार के मिलते हैं। जी और उसके बाद फिर शादी वगैरह का उसके बाद तो फेस्टिवल त्योहार काफी। त्योहार सारे चालू हो जाएंगे। रक्षाबंधन आएगा, तीज आएगा, दीपावली जी आएगी, छठ आएगी, एक के बाद एक त्योहार की झड़ी लग जाती है हिंदुस्तान में। जी तो यहाँ बहुत अच्छा मौका है। पहले कई साल पहले ऐसा होता था कि 4 महीने 6 महीने साड़ियों का व्यापार लोग समझते थे, जी जी लेकिन अब इतनी वेराइटीज है, इतनी रेंज है, इतने त्योहार हैं। सोशल मीडिया को भी इसके लिए धन्यवाद जाता है कि अब 12 महीना सेलिब्रेशन होने लग गए हैं जी जी और बिल्कुल 12 महीना कपड़े का व्यापार चलने लग गया है। जी जी तो आप कभी भी आइए, रेंज अपनी शुरुआत कीजिए, कोई भी समय इसमें पुराना नहीं होता है। जी तो सर, सूरत के अंदर तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं बिल्कुल जो बताते भी हैं, कुछ कहना जो व्यूवर्स बोलते हैं कि हम कहाँ पर जाए कंफ्यूजन है, लेकिन हम उन मैन्युफैक्चर की ही बात करें, जिस तरह आप रियल मैन्युफैक्चरर हैं, आदर्श भी रियल मैन्युफैक्चरर हैं, फिर हमारे व्यूवर्स आप ही को क्यों चुने कि आपके पास क्यों आए लेने के लिए। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। सूरत एक मैन्युफैक्चरिंग मंडी है, जी सूरत एक बहुत बड़ा सागर है कपड़ों की वैरायटी के जी लिए। बिल्कुल तो आप खुद ही व्यूअर्स को, आप आइए सूरत, जी 10 जगह आप घूमिए जी और फिर आपको ये अपने आप ही डिसीजन हो जाएगा कि आपको कहाँ से कपड़ा लेना है। जी जलान मेगा मार्ट में स्पेशलिटी ये है कि आपको एक छत के नीचे, जो आप जी 20 अलग अलग जाके एक एक प्रोडक्ट देखेंगे, बिल्कुल जलान मेगा मार्ट में हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वही 20 जगह की मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स आपको एक छत के नीचे दे रहे हैं। जी तो 100 रुपये से लेके 95 रुपये से लेके हमारे यहाँ साड़ी शुरू होती है। ठीक है 95 रुपये से लेके ऊंचे आपको 2,500 3,000 तक की साड़ियाँ, उसके अलावा लहंगे के प्रोडक्ट्स, आपको पूरी रेंज एक ही छत के नीचे मिल रही है। जी तो आपको 10 जगह घूमने की जरूरत ही नहीं है जी और मैन्युफैक्चरिंग रेटों में मिल रही है। तो आप यहाँ आएंगे, 10 जगह घूमेंगे, वेरायटी कंपेयर करेंगे, जी खुद ही आप डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन मैंने तो सुना है सर, 50-50 60-60 रुपए में भी साड़ी मिल रही है सूरत के अंदर। मिलती है देखिए, लेकिन हम लोग क्या है, एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करके चलते हैं। हमने भी एक बार ट्राई किया था, कोशिश किया था सुन सुन के जी कि 50 वाली भी साड़ी मैन्युफैक्चरिंग करें, जी लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं वो 50 वाली साड़ी, एक तो आप देखिए बेचने जाएंगे जी तो 50 की साड़ी आप क्या सोचते हैं, कोई 150-200 में तो बिकेगी नहीं। बिल्कुल सही 50 की बात साड़ी ज्यादा से ज्यादा 60 रुपये में बिक जाएगी, 70 में बिक जाएगी, 75 में बिक जाएगी, उससे ज्यादा बिल्कुल आप उसमें बेच नहीं पाएंगे। जी तो हम अपने ग्राहक को चाहते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट दे, कि कंज्यूमर भी अगर उसको यूज करे तो उसको जी कोई जी कटे फटे की, छोटे कट की, या कोई भी जी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की उसको सामना ना करना पड़े। जी तो जी आप यहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको फुल फ्रेश प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी डैमेज प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जी पूरी हमारा चेकिंग, चरक, पॉलिशिंग, फिनिशिंग सब इन हाउस होती है। अच्छा, तो इससे क्या है, थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट आप रखेंगे तो सामने कंज्यूमर आपको उसकी वैल्यू देगा। जी जी आपको अपना व्यापार शुरू करना है तो कंज्यूमर को खाली 50 रुपये से साड़ी से वो खुश नहीं होने वाला है, बिल्कुल सही उसको बात तो समय पे जो फैशन का माल है वो चाहिए। बिल्कुल सही बात तो है आजकल हर एक जन मैं देखता हूँ गाँव में भी लोग 5-5 हज़ार रुपये आराम से कपड़ों पे खर्च करते हैं, बिल्कुल रिटेल सर में जाते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी माल होना चाहिए, जी पचास जी रुपये जी से आप कोई एक दुकान नहीं चला पाओगे। जी 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 तो जैसे सर, किसी को बिजनेस स्टार्टअप करना है और वो आपसे डायरेक्टली आके जी मिलता है, बिल्कुल तो निश्चित है कि जैसे मैन्युफैक्चरर से मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसे कम मिलेगा ही यहाँ से, तो आप श्योरिटी दे सकते हो कि जैसे मार्केट में आपने 100 रुपए की साड़ी अपने पास बताई, अदर्श में वो साड़ी उस 100 रुपए से सस्ती नहीं मिलेगी, सेम क्वालिटी नहीं मिलेगी, सेम क्वालिटी नहीं सेम मिलेगी। क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी कम करके, कपड़े जी की जी जी क्वालिटी गिरा के, तो देखिए कोई भी कुछ भी जी कर सकता बिल्कुल है, बट बिल्कुल सेम बिल्कुल क्वालिटी, सेम चीज, सेम कट, सेम मिल का माल, जी सेम जी बॉर्डर, सेम फिनिशिंग, जी जी सेम कहीं नहीं ना है। कहीं कंप्रोमाइज होगा यदि सस्ती है बिल्कुल तो। देखिए, इतना बड़ा सूरत है, एक जी दूसरे को देख के लोग कॉपी करके हर प्रोडक्ट को सस्ता करने की चेष्टा में लगे रहते हैं, जी जी लेकिन हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि जी कट पूरा प्रॉपर होना चाहिए, बॉर्डर की फिनिशिंग पूरी होनी चाहिए, कटी फटी साड़ी नहीं होनी चाहिए। जी जी तो जी वो सब स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए यहाँ पर आपको हम इस बात की श्योरिटी दे सकते हैं कि आपको एकदम प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी माल मिलता है। तो बहुत बढ़िया। तो सर, बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते हैं, केवल आप ही के बारे में नहीं, जैसे हमने वीडियोस दिखाई, किसी में प्राइस बताया कि बहुत महंगा है, जी बहुत महंगा है, कोई सा 300 रुपए की साड़ी दिखाई, बहुत महंगा है, हम उसे कैसे बेचेंगे। उनकी एक मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि जहां पे 300 से ऊपर के रेट गए, जबकि साड़ी तो 1,500-2,000 की भी होलसेल में जी मिलती है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो 3,000 की साड़ी आपको यहाँ पर मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी होगी मार्केट में। आप देखिए, पहले जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा।
जी ऐसा कि आप क्या है रेट वाइज अपने माइंड को अगर बांध लेंगे ना तो जी आपको सही चीजें सही समय हर समय सामने नहीं आएंगी। आप जी मार्केट को स्टडी कीजिए जी कि 300 रुपए का अगर आपका बैरियर है तो 300 रुपए में क्या क्या वैल्यू फॉर मनी चीजें आपको मिल रही है। बिल्कुल सही वैसे बात 3,000 रुपए का अगर आपका बैरियर है तो 3,000 रुपए में आपके सामने क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है और जी फिर आप डिसीजन लीजिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी माल है। जी तो हम यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल हमको देखिए आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूँ, 100 रुपए की 200 रुपए की आप साड़ी अगर बेचेंगे जी तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप 30% 40% मार्जिन करके बेच सकते हैं। ठीक है। मैं नहीं समझता कि उससे ज्यादा कोई भी जनरल रूटीन वाली साड़ियां बिकती है, लेकिन अगर आप फैंसी रेंज का रिटेल करना चाह रहे हैं और खुल के आपका व्यापार करना चाह रहे हैं जी तो उसमें इतनी वेराइटीज आती है जो कॉमन नहीं होती। जी तो आप समझिए 2,000 रुपए की साड़ी आप यहाँ से ले रहे हैं तो उसको आराम से आप 4,000 रुपये 5,000 रुपये में भी आराम से सेल कर सकते हैं। जी जी तो ये चीज डिफरेंस आपको जब आप वैरायटी देखेंगे रखेंगे तब आएगी। तो जी 100 रुपये के माल में आप 25% से 40% की वैरायटी आप कमा सकते हो, जी मुनाफा रख सकते हो, बट फैंसी रेंज में आप उसी मुनाफे को डबल भी कर सकते हो जी और जी बहुत जी अच्छा बिल्कुल। प्रोडक्ट और आपके हाथ लग गया तो आप उसमें और भी ज्यादा कमा सकते तो हो। जैसे आपके यहाँ से माल ऑनलाइन मंगाते हो और बॉक्स के बॉक्स चले जाते हैं पैकिंग करके, बाय चांस उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है या कटाफट आ जाता है या किसी का माल नहीं बिक पाता, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी दे ये रखी है आपने? बिल्कुल फैसिलिटी दी है क्योंकि ये स्टार्टअप व्यापारी हमसे ज्यादा जुड़ते हैं तो उनके पास पूरी फैसिलिटी है। कटे फटे की तो कोई भी आपको फुल गारंटी है, कोई भी साड़ी कटा फटा आपको निकलता है तो डिफेक्टिव माल पूरा हमारे यहाँ वापस आपका गुड्स रिटर्न जमा हो जाएगा। ठीक है। और जहां तक माल नहीं बिकने की बात है उसमें भी हमने एक प्रोविजन लिया है क्योंकि ये होलसेल दुकान है जी तो हम क्या एक एक दो दो पीस तो वापस नहीं ले सकते, हमारी भी मजबूरी है। जी जी हम सेट वाइज माल बनाते हैं, किसी में 5 कलर होते हैं किसी में 6 कलर होते हैं। ठीक है जिस तरीके से सेट आपने खरीदा है अगर वो सेट आप उसी तरीके से हमें रिटर्न करते हैं तो जी। हमारे यहाँ एक प्रोविजन है कि हम आपका उसका रिटर्न एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा। तो सर किसी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करानी है आपसे जुड़ जी करके, जी कुछ अपने ही नाम का टैक्स लगवाना है तो जी आप वो कर देते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन ओपन है। बस उसमें क्या है थोड़ा उनको वॉल्यूम कितना चाहिए अच्छा कि या अच्छा आप छोटा छोटा बोलेंगे कि 5 पीस में हमको अपना टैग लगवाना है जी जी तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जी और जी समय भी। इसमें कोई भी चीज आज इतनी वैल्यू एडिशन होती है कि जी 1 महीने से 1.5 महीना 2 महीना तक मैन्युफैक्चरिंग का हमको समय चाहिए। जी तो अगर कोई किसी को क्वांटिटी बल्क प्रोडक्ट हमसे चाहिए तो हम उसको वेल एंड गुड मोस्ट वेलकम है, हम उनकी पूरी जी सहायता तो करेंगे। क्वांटिटी का क्या प्रपज, क्या मतलब है कि कितनी क्वांटिटी, एक डिजाइन में 50 पीस की क्वांटिटी, 100 पीस की, कितनी क्वांटिटी ये बनती है? देखिए प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जी अगर जैसे वीविंग के प्रोडक्ट हैं तो अच्छा रेपियर मशीन पे तो हम आपको 100 पीस भी एक डिजाइन में दे सकते हैं, अच्छा लेकिन अगर मिल प्रिंट के प्रोडक्ट हैं तो जी मिल प्रिंट में क्या 100-100 पीस में डिजाइन प्रिंट होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसमें अच्छा चार सौ अच्छा पाँच सौ 600 पीस मिनिमम प्रिंट होते हैं अच्छा अच्छा तो वो वहाँ पे प्रोडक्ट वाइज थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है। तो आपको क्या अच्छा एग्जैक्ट व्यूअर को चाहिए वो हमारे सेल्स पर्सन से डिस्कस करें तो हम उनको और अच्छे से आइडिया दे पाएंगे कि क्या प्रोसेस है। जी हमारे व्यूवर्स एक कन्फ्यूजन और अपने दिमाग में पाल करके रखते हैं और कन्फ्यूजन वाकई में भी रियल है। वे अपने आप को इस तरह डिफाइन नहीं कर पाते कि उन्हें रिटेल की शॉप करनी चाहिए, होलसेलर बनना चाहिए या मैन्युफैक्चरर बनना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा बिजनेस बेस्ट होता है? बिजनेस तो देखिए तीनों अपने अपने जगह पर अच्छे हैं जी लेकिन आपको इसमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी एक तो आप किस जगह पे अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप घर से अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप रिटेल से शुरुआत कीजिए, अच्छा एक बार छोटे लेवल पे शुरू कीजिए। धीरे ठीक धीरे है जब आपको सब माल का आइडिया लग जाए, आप क्वालिटी पहचानने लग जाए, जी आपको क्या फैशन के साथ आपको आइडिया लग जाए क्या चीज बिकती है क्या रुकती है, जी फिर धीरे धीरे जब आपको मार्केट से आप जुड़ जाए 6 महीना साल भर मान लीजिए आपने टाइम दे दिया उस बिजनेस जी को, जी फिर आप उसको सेमी होलसेल लेवल पे लेके आ सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए कोई नया काम कर रहा है तो, और जी कोई पर्टिकुलर ऑलरेडी घर से काम कर रहा है और उसके पास जगह कोई मार्केट में वहां पे व्यवस्थित जगह है जी तो आप होलसेल का काम वहां शुरू कर सकते हैं। अच्छा घर से स्टार्ट करें तो कुछ दुकानदारी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल सिर्फ होती एक है, यूट्यूब पे एक ये चल ही रहा है कि घर से भी काम शुरू कर सकते हैं, 10,000 से शुरू कर लीजिए, 5,000 से कर लीजिए, क्या पॉसिबल होता है ये? बहुत ज्यादा पॉसिबल है सर ये। जब से इसके लिए तो बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सोशल मीडिया का, जी यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, जिसने एक क्रांति ला दी है। जी आज इंडिया में पहले जो हम देखते थे कि घर में अगर 6 मेंबर है तो एक मेंबर काम करता था, जी जी आज घर में 6 मेंबर है तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनको छोड़ के कम से कम 2 से 3 मेंबर काम में लगने लग गए हैं। जी जी तो जो एक गृहिणी है या गृहस्थ भी है या आदमी भी है जी और वो घर से काम कर रहा है
जी अपने परिवार के साथ रह के काम कर सकता है, छोटे जी लेवल पे अपना काम शुरू कर सकता है। जी आज सूरत में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए में जी आप एक पार्सल, दो पार्सल माल यहाँ से इकट्ठा करके ले सकते हैं। जी छोटी छोटी एक एक सेट करके आप रेंज बना के एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। जी जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे आप उसको फिर बढ़ाइए। जी आप यहाँ से दो पार्सल माल ले गए, आपने एक पार्सल बेच लिया, जी उसमें नया एक पार्सल और ऐड कीजिए, जी जी फिर एक पार्सल बेचा, फिर एक नया ऐड कीजिए। ऐसे जी धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आए, तब दो का चार, चार का आठ होते देरी नहीं लगेगी। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये पार्ट वन वीडियो है, इसके तुरंत बाद पार्ट सेकंड वीडियो आएगी जलान मेगा मार्ट के चैनल पर। अब ये वीडियो आप तेजस व्लॉग पर देख रहे हैं, लेकिन सेकंड पार्ट यदि आपको देखना है, जिनमें मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, वो आप जलान मेगा मार्ट चैनल पर देख सकते हैं, और उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड पार्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जो आपको डायरेक्टली ले जाएगा जलान मेगा मार्ट में। ये समझ लीजिए कि एक इस तरह का टाइप हुआ है कि हम चाहते हैं कि कुछ व्यूवर्स से डायरेक्टली जलान मेगा मार्ट पर जाकर के विजिट करे, देखे, कलेक्शन को समझे, अदर्स मार्केट में जाकर भी घूमे। मैं डायरेक्टली ये नहीं कहता कि आंख बंद करके आप बिजनेस शुरुआत करें। देखिए YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग देख करके कामयाब भी हुए, और बहुत सारे लोग जिन्होंने आंख बंद के काम किया है वो फेल भी हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस भी हमने देखी है जो आपको गलत राह दिखाते हैं, मगर हमारा चैनल एक विश्वसनीय चैनल है, कभी भी हमने गलत नहीं किया, हमेशा की तरह आपको गाइडेंस दी है, और अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स की मुलाकात आपसे कराई है। एक क्वेश्चन मैं सर से लेता हूं कि सर ऐसी क्या विशेषता है जलान मेगा मार्ट में कि सारी मार्केट को छोड़ करके हमारे व्यूवर्स आपके पास आए? ऐसी कुछ दो या तीन फैसिलिटीज या अपनी ऐसी कुछ दो या तीन इम्पोर्टेंस बताइए जो हमारे व्यूवर्स के दिल को छू जाए। बिल्कुल, आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जलान मेगा मार्ट से ये क्वेश्चन पूछा। जी तो जलान मेगा मार्ट सबसे पहली बात जो आपको कॉन्फिडेंस रखता है, कोई नई संस्था नहीं है, जी बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत पुरानी फैमिली है ये जी व्यापार, हम इसको फैमिली मानते हैं। जी दूसरा, कोई भी व्यापारी हमसे जुड़ता है तो उसको एक छत के नीचे भरपूर रेंज मिलती है, जो मैं नहीं समझता कि पूरे सूरत में कोई और दुकानदार शायद इतनी रेंज रखता है। जी तीसरा, वो सूरत आके यहाँ पे विजिट करके प्रॉपर हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी प्राप्त कर सकता है। एक हमने होलसेल पे और रिटेल लेवल पे व्यापारी हमसे जुड़े, उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी की एक स्पेशल सुविधा भी उपलब्ध की है, जो यहाँ जी होलसेल में या मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कोई नहीं देता। जी आप माल आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे पहुँच जाए, उसके बाद आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। जी तो ये विशेष फैसिलिटी हम अपने व्यापारियों को उपलब्ध करवाते हैं। तो जी जलान मेगावाट में ऐसे बहुत सी, आपको कोई नया व्यापार चालू करना है तो हमारी टीम उसको काउंसलिंग भी करके देगी कि जी जी आपकी किस मंडी में आप करना चाहते हैं, वहाँ कौन सा टेस्ट चलता है, आपको किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए, जी जी थोड़ा थोड़ा करके कितने अमाउंट में आप अपनी दुकानदारी सेट कर सकते हो। जी तो हर तरीके से एक ये फैमिली के रूप में काम होता है। जी तो और जलान, लैंग्वेजेस की बात करूँ तो सेल्समैन आपके पास हर एरिया के मुताबिक, जैसे कोई तमिल का आता है, तेलुगु का आता है, सब सेल्समैन मिल जाते जी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पूरी मल्टी लिंग्विस्टिक टीम है जी जो जी अलग अलग भाषाओं में माहिर है और अपने अपने काम को वो अच्छी तरह से पूरा तरीके से निभाते हैं। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन इस पार्ट वन वीडियो के अनुसार हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। जब नेक्स्ट मंथ में आऊंगा, फिर कोशिश करेंगे कि सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें थोड़ा सा वक्त दे और आपके क्वेश्चंस का जवाब दे। देखिए जो कमेंट्स आप करेंगे वे कमेंट्स क्वेश्चंस के रूप में मैं सर से पूछूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स करें, और कमेंट्स करोगे तो आपके मन की आवाज मेरे द्वारा सर तक पहुंचेगी। आपको कोई तकलीफ है यहाँ पर, किसी तरह की कोई समस्या हुई है, यहाँ से माल लेकर के गए हो, कोई प्रॉब्लम आई है, या यहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो स्पेशल आप सर से मुलाकात करना चाहते हैं तो वो भी हम अवेलेबल कराएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट टू जरूर देखेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और पार्ट टू की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, पार्ट टू वीडियोस देखिएगा, और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू।